आपके पापा आपके लिए रिश्ता ले आए, ठीक है, इनमें से सारे हैं, वो सरकारी ऑफिसर भी है, एक पुलिस है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर भी है, चलो अब फिर किसको, मतलब कौन से सिलेक्ट करोगे? मैं पापा को ही कह दूंगी, पापा ही पिक कर लेंगे। सरकारी बाबू वो ही पिक करके लाए तो वही पिक कर लेंगे ये भी। कौन सा सही रहेगा हमारे लिए? सरकारी बाबू ऑब्वियसली। क्यों, एडवांटेज क्या? वही एडवांटेज, कैसे रहेंगे? दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल लिट्टी में, उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज की वीडियो में हम दिल्ली की लड़कियों से पूछने वाले हैं कि उनको किस तरीके के लड़के ज्यादा पसंद है, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर या फिर कोई सरकारी बाबू। तो आइए देखते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को किस तरीके के लड़के ज्यादा पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको चार लोग दे दूं, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक हमारे सरकारी बाबू मतलब IAS वगैरह, और एक पुलिस। तो आपको अगर इनमें से किसी को डेट करने का मौका मिला तो आप किसको पटाएंगे? Anyone would do. I don't have a certain criteria. I wouldn't mind profession, कोई भी profession. It depends on the personality. सरकारी बाबू। शादी नहीं करनी, just dating. अगर आपके पास options है, like इतने सारे आपके सामने लड़के, तो what would you pick? Doctor. Police. Doctor. Doctor. Why? वैसे मैं profession के बेस पे choose नहीं करती, but क्योंकि मेरे पापा engineer है तो मैं भी engineer. लड़कियों ने बोला पुलिस बहुत discipline में रखेंगे, इसलिए हम पुलिस में date नहीं करेंगे, तो आप करोगे? क्योंकि मुझे पुलिस ही बनना है। अच्छा, आप पुलिस तो पुलिस बनकर पॉलिसी बता दिया कि वो मैं गाइड कर सकता है अपनी, अगर कोई प्रॉब्लम हो, इंटरनल प्रॉब्लम हो या मेंटल इश्यूज हो, मुझे फ्री में एडवाइस मिल सकती है कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए, हेल्थ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, फोकस रहेगा अच्छे से। पहले तो इनकम, वो हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छे से पूरी कर पाए। ऑनेस्टली आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन दिस, आई एम ओके विद एनीवन। और सेकेंड की हाँ, यही इधर उधर ज़्यादा घूमने को मिलेगा, आजकल लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग के प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि आज के क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहा है, तो वो हमारी हेल्प कर सकता है, हमें समझा सकता है, गाइड कर सकता है, इसलिए तो इसलिए डॉक्टर, क्योंकि पैसे बच जाए। या बेटर है डॉक्टर या। तो आपको क्या लगता है क्या डिसएडवांटेज हो सकती है डॉक्टर को डेट करने में? कोई डिसएडवांटेज हो सकती है कि उनको किसी भी टाइम अपने काम पे जाना पड़ सकता है, हो सकता है मुझे तब जरूरत हो लेकिन उन्हें वहाँ जाना है। डिसएडवांटेज तो वही, उनकी नाइट शिफ्ट भी हो जाती है, कभी कभी डे हो जाता है उनका, थोड़ा शिफ्टिंग का ज्यादा। आई थिंक दे विल बी, वो बिजी रहेंगे ज्यादा अपने ऑफिस में, तो शायद जो जिनको ज्यादा टाइम चाहिए होता है तो उनको नहीं मिलेगा ज्यादा टाइम, तो वो थोड़ी डिसएडवांटेज हो सकती है। इसी में एडवांटेज रहेगी कि आप आराम से अपना कुछ किसी भी चीज़ में एडवाइस चाहिए आपको हेल्थ के बारे में, क्या मेडिसिन लूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपको आराम से मिल जाएगी, इधर उधर अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। कोई फायदा देखकर नहीं किया, फ्री में काम होगा। एडवांटेज डॉक्टर को वही ट्रीटमेंट अच्छे से होगा, वो पैसे बचेंगे। हाँ, पैसे बचेंगे, मेरी घर में लाइट खराब हो जाएगी तो चेंज करने में। डॉक्टर के लिए मुझे यही सुनने को मिला कि फ्री में इलाज होगा। तो मुझे बताओ कि IAS या फिर इन सबको जो भी मैंने लिए थे, पुलिस वगैरह को ना मतलब डेट करने के क्या डिसएडवांटेज होंगे? ऐसा कोई रीजन नहीं था नहीं पिक करने के लिए, डिसएडवांटेज ना कभी वो करा नहीं है गौर। ओके, इंजीनियर होगा तो मतलब उसे रोमांस बिल्कुल नहीं आता होगा, सॉरी। अगर इंजीनियर को डेट करेंगे तो वो रोमांटिक नहीं रहेगा, ऐसा है? हाँ, वो ज्यादा पढ़ाई में ज्यादा इंजीनियरिंग मशीन्स वगैरह ना, तो IAS तो काफी डिसएडवांटेज लग रहा है। डिसएडवांटेज तो नहीं लग रहा है वैसे, उन मतलब उनसे काफी नॉलेज मिल सकती है। डिसएडवांटेज की बहुत सारी बहुत सारी। IAS होगा तो ही माइट बी बिजी इन हिज वर्क, ठीक है, वो बहुत बिजी होते हैं अपने स्केड्यूल में, वही थोड़ा टाइम वगैरह ना दे पाना। पर वो एक तरीके से ठीक भी, एक तो घूमने को मिलेगा बहुत, है ना, और थोड़े से वो ज्यादा पुलिस से ज्यादा ओपन माइंडेड, ऐसा कुछ आपको लगता है? एंड द पुलिस के वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जैसा मुझे लगता है, इसलिए तो उनका कोई रूटीन नहीं है, वो कभी भी उनको कॉल ड्यूटी पे कॉल हो सकती है, चाहे वो इमरजेंसी है, बट हमेशा नहीं ना, तो थोड़ा बहुत ज्यादा, ज्यादातर वो बिजी रहते हैं ना। तो मुझे बताओ आपने IAS क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि मैं डॉक्टर को डेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस पे। आपके पापा आपके लिए रिश्ता ले आए, ठीक है, इनमें से सारे हैं, वो सरकारी ऑफिसर भी है, एक पुलिस है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर भी है, आप किसको सिलेक्ट करोगे? ये डिपेंड करता है कौन पसंद है। डॉक्टर? डॉक्टर चलेगा। तो शादी वैसे मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी के पास टाइम नहीं है मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या लगता है, मतलब जो भी मैंने नाम लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, ये सब जो भी, IAS ऑफिसर, इनमें से सबसे ज्यादा रिच कौन होता है? इंजीनियर। इंजीनियर श्योर? या IAS सरकारी बाबू जो आपने जो IAS ऑफिसर, आई थिंक सो IAS ऑफिसर। फिर लोग सब उनको बेरोजगार बेरोजगार क्यों?
वो खुद को बेरोजगार कहते हैं। पुलिस मतलब पुलिस के साथ ही जाऊंगी। अब आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है ज्यादातर हमने जितने भी अभी लड़कियों से पूछा, ज्यादातर जवाब क्या आया? मे बी IAS ऑफिसर, क्योंकि सिक्योर जॉब है और आज सब लोग कहते हैं कि वो बहुत कमा रहे हैं। आपने चूज किया शायद या पुलिस वगैरह, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। क्या ऑप्शंस क्या बताया था आपने? इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस और IAS ऑफिसर, मतलब सरकारी बाबू। आई गेस सरकारी बाबू ही। सरकारी बाबू में भी IAS। क्यों, क्या लगता है ऐसा क्यों? आई थिंक IAS ऑफिसर क्या चार्मिंग होते हैं वो। तो आपको क्या लगता है क्या एडवांटेज रहती होगी पुलिस को डेट करने की? एडवांटेज तो वो भी उनकी भी इनकम सही होती है। अगर आप किसी पुलिस वाले को डेट करते हो तो ये है कि आपको खुद भी ये रहता है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है, आप जिसे डेट कर रहे हैं, वो पुलिस वाला है, तो आप ऐसे रूल रेगुलेशंस नहीं तोड़ते, चाहे वो रोड पर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो, ऐसे तो आप नहीं करते। हाँ। साथ में खड़ा होगा और सिक्योरिटी रहेगी, है ना, एक अच्छा लगेगा, एक प्राउड फीलिंग होती है। डिसएडवांटेज क्या रह सकती है? मुझे लोगों ने कहा जैसे डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा। वही है ना, थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइप होते हैं, थोड़े में वो होते हैं लाइक बहुत ज्यादा मतलब टाइट की रिस्ट्रिक्शंस होती है। हां, कैसे बताएं, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन का रोक टोक करते हैं। हां, बहुत ज्यादा थोड़ा डिसिप्लिन में। हां, डिसिप्लिन में। हाँ, राइट। सोना डिसिप्लिन में, उठना डिसिप्लिन, राइट, खाना डिसिप्लिन, सब कुछ डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है, पर्सनल लाइफ जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल से मिक्स की जाए। पर भी वो चलान काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन में, सोना डिसिप्लिन में, जाना एकदम मतलब स्ट्रिक्ट, जैसे पेरेंट्स ना, लाइक वैसे ही पापा की तरह। तो मे बी ये मिसकॉन्सेप्शन है, आई वुड से के, बट दे आर एज मच, मतलब कितना भी वो प्रोटेक्टिव ज्यादा होंगे, आई फील दे नो के दूसरी साइड से दुनिया कैसी दिखती है, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, क्या आपके लिए पैसा उतना जरूरी है? नहीं, बट वो पैसा ज्यादा जरूरी है नहीं, बट स्टिल इन सब ऑप्शन से ज्यादा मुझे प्रेफर वही लगता है। तो मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। डिड यू एंजॉय? यस। हां जी, आपको एंजॉय किया? बहुत। यस, इट वाज अ बहुत अच्छा इंटरव्यू था। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया कि लड़कियां किस तरीके के लड़कों को पटाना चाहती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे कर दो लाइक। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो दोस्तों ये दोनों वीडियो भी जरूर देख लेना, बहुत ही मजेदार है। हम फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ अगले शुक्रवार। तब तक अपना ध्यान रखना। दिस इज दर्पिका साइनिंग ऑफ। बाय बाय।